जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के नानकेचक में रेलवे अंडरपास ब्रिज के नीचे सुबह के समय एक ट्राला फंस गया। वहीं इस ट्राले के फंसने के दौरान उसके पास की सड़क पर दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। आलम ये रहा कि इस दौरान सैकड़ों वाहन दोनों तरफ फंस गए और कोई भी वाहन नहीं निकल पाया। हादसे के तुरंत बाद सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रकों को बाहर निकालने के अभियान की शुरुआत की। क्रेन की मदद से ट्रकों को साइड करके एक तरफा मार्ग चला, लेकिन ट्राले को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं इस दौरान स्थानीय पूर्व सरपंच लबलू संभ्याल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिर्फ इसी जगह पर सिंगल लेन मार्ग है और कई सालों से ये काम अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों की जाने जा रही हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देकर समस्या के समाधान की मांग की। देखिए, पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे 44 पे हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के चीची माता के पास ये रेलवे ब्रिज है। दो अंडरपास का काम लगा हुआ है, लेकिन आज तक ये अंडरपास जो है वो बन नहीं पाए हैं। कई बार बड़े बड़े अधिकारी जो है हमारे यहाँ पे आए हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी भी यहाँ पे आए, उनसे भी हमने डिमांड रखी कि आखिरकार ये जो दो ब्रिज है इसका अंडरपास का काम जो है वो जल्द शुरू करवाया जाए, लेकिन आज तक इस अंडरपास का काम शुरू नहीं करवाया गया है। और हद तब हुई जब एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ। एक लड़का जो शादी करके दुल्हन को रिसेप्शन में लेने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रहा था और यहाँ पे उसकी डेथ हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। दिल दहलाने वाली एक घटना जो यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री बोलिए उसकी तरफ से कोई संज्ञान जो है इस नेशनल हाईवे 44 सांबा का नहीं लिया जा रहा। पता नहीं कितने जाने इस अंडरपास के नीचे जाएंगी और उसके बाद ये बनेगा या नहीं बनेगा इसकी भी कोई क्लियरेंस नहीं है। 15 दिन पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी आए थे, उनके आगे हमने दोबारा डिमांड रखी कि अंडरपास आधे से ज्यादा बन चुका है, इसको बनाया जाए, लोगों की जान माल के साथ नुकसान ना किया जाए, खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये जो अंडरपास है वो नहीं बनाया गया। आज एक और बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। सुबह से रोड बंद है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसका इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों की जान माल के साथ ना खिलवाड़ किया जाए, इस अंडरपास को जल्द से जल्द बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, हमारे नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट है, और लास्टली हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि सांबा का ये जो नानक चक चिची माता के पास जो दूसरा अंडरपास बनाया हुआ है, जल्द से जल्द को इसको चलाया जाए ताकि लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो सके। पहले भी कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को हम ये जता चुके हैं, उनको रिटर्न में ये कंप्लेंट्स दे चुके हैं, लेकिन आज तक हल नहीं हो रही। आखिरकार रेलवे जो है वो इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही, क्यों इस अंडरपास को नहीं बना रही, जानबूझकर हमारे लोगों के साथ ऐसी जायकी क्यों की जा रही है। एलजी साहब और प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर ध्यान दें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारी यही उनसे डिमांड है। धन्यवाद।